देखते ही देखते 6 महीने भी निकल गए, देखते ही देखते 6 महीने निकल गए, यानी कि आधा साल निकल गया। अब आने वाला आधा साल, आने वाले 6 महीने आपके लिए किस प्रकार से रहने वाले, आइए जानते हैं। हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आने वाले हमारे 6 महीने, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, ये 6 महीने आपके लिए किस प्रकार से रहने वाले, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, किस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जुलाई से लेकर ये दिसंबर के 6 महीने मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाले, आइए जानते हैं। नौकरी की बात करें तो आपके जो पहले के 6 महीने गए उसमें आपने प्रमोशन लिया, आपको पॉजिटिव चेंज मिला, सैलरी बढ़ी, नई जॉब लगी, चेंज हुआ, बदलाव हुआ, पूरी तरीके से पॉजिटिव गया। लेकिन आने वाले 6 महीने, क्योंकि शनि देव इस समय वक्री हो चुके हैं, आने वाले 6 महीने थोड़े से आपको सतर्क बनाएंगे, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाएंगे आपकी, थोड़ी सी असफलता लेकर आएंगे, थोड़ी सी निराशा लेकर आएंगे। काम का वर्क इस समय थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस समय काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बॉस थोड़े से नाराज हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी असफलता का समय रहेगा। इस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल आपका बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि यूपी में था कि भैया अयोध्या हम जीत जाएंगे लेकिन नहीं जीत पाए, उसी प्रकार से आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंट होगा कि भैया सारी चीजें मेरे को आती है, मैं कर लूंगा, मुझे सारा काम आता है, मैं कर लूंगा, बॉस तो मेरा ही है यार, बॉस मेरी सुनेगा, ये सारी चीजें आपके माइंड में चलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको ये भ्रम बना हुआ है, इसको थोड़ा सा निकाल दीजिए। आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको थोड़ा सा निकालना होगा और काम में दिल से मेहनत से इस समय थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, इस समय मेहनत ज्यादा कराएंगे, थोड़ी सी निराशाकारक स्थिति बनाएंगे। लेकिन शुक्र अक्टूबर के बाद थोड़ी सी सामान्य रूप से हो जाएगी। अब बात करें धन की स्थिति की बात, तो ये मिला जुला परिणाम दे रहे हैं। लेकिन इस समय अगर हम बात करें आय के स्थान पर शनिदेव विराजमान है और मई में जब गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं, तो यानी कि आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश करेंगे, इस समय आपको प्रॉफिट अवश्य रूप से प्राप्त होगा। वहीं पर अगर अगस्त के महीने में इन्वेस्ट करते तो आपको डबल लाभ प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिएगा, दोस्त यार के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो उसमें लॉस आपको देखने को मिलेगा। इस समय आय की स्थिति अच्छी है, लेकिन इन्वेस्ट करना और ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा मिला जुला परिणाम रहने वाला है, थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है, थोड़े से कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे की बातें एक दूसरे पे थोप सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। परिवार से प्रेम है, दोस्त यार से प्रेम है, सबसे रिलेशनशिप अच्छे, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आप एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को टाइम दे, ऐसा नहीं कि भैया अरे हाँ ठीक है एक बैठे, क्योंकि इस समय कम्युनिकेशन करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। दोनों बैठे एक दूसरे से बातें करें, अपनी गलतियों को समझे, ऐसा नहीं कि भैया अरे यार ठीक है हो गया यार ठीक है, नहीं ये गई तो गई चलो ठीक है, या आप ये थोड़ा सा भ्रम में भी रह सकते हैं, यार चलो ये है ये मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वही चीज है अरे यार ऐसा कैसे सोच रहे हो ये तो गलत है, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भ्रम ये थोड़ा सा आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर हम बात करें पारिवारिक सुख इस समय प्राप्त होगा, इस समय राहु मीन राशि में विराजमान है, केतु आपके कन्या राशि में विराजमान है, अचानक घर से बाहर जाना पड़ सकता है, अचानक से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। आप देख रहे होंगे कि जो जनवरी से लेकर जून का माह गया वो तो ठीक रहा हेल्थ के हिसाब से, लेकिन आने वाले 6 महीने आपका थोड़ा सा फैट इंक्रीज कर सकते हैं, खान पीन में थोड़ा सा आप ध्यान नहीं रखेंगे, इस समय थोड़ा सा आपका मोटापा बढ़ते हुए दिखाई देगा, फैट इंक्रीज होगा। इस समय हेल्थी बन रहे हैं आप, हेल्थी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला परिणाम है, लेकिन थोड़े से हेल्दी आप अवश्य रूप से हो सकते हैं। इस समय अगर हम उपाय की बात करें तो ये 6 महीने के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र को 125,000 बार आपको जाप करना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में करना है, एक दिन में 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ऐसे आप डेली कर सकते हैं, 6 महीने है। इससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा, मंगल आपके अंदर साहस लेकर आएगा। देखिए आप लोगों की सुनने वाले नहीं है, लोगों को सुनाने वाले हैं, अपनी जिद अपने पैशन अपने एग्रेशन के लिए आप जाने जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा लोगों की सुन के काम नहीं करना है, अपने बल पे अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से आप कमाने वाले व्यक्ति है, इसलिए अपने निर्णय पे अमल रहे आप। तो ये 6 महीने आपके इस प्रकार से रहने वाले हैं। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, अचानक से बाहर जाना पड़ सकता है, आय के लिए मैं कहूंगा कि इन्वेस्ट के लिए पूरा 6 महीने रहने वाला है। आपने
पहले के 6 महीने में प्रमोशन लिया, सैलरी बढ़वाई, आपने अच्छे अच्छे काम किए, आपका पूरा पॉजिटिव गया, लेकिन थोड़ा सा इस समय ये 6 महीने थोड़े से नकारात्मक रह सकते हैं, थोड़ी सी असफलता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं कहूंगा कुछ विशेष उपाय करने से ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। इसलिए नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मैं आपको उपाय बता दूंगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।